आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। अगर आप वास्तु को वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं। हम सभी चाहते हैं जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें प्रशंसा मिले, एप्रिसिएशन हो और उसमें हम ग्रो करें, उन्नति मिले और तरक्की मिले। क्या आपको पता है कि इसमें आपका जो ऑफिस डेस्क है उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपका ऑफिस डेस्क वास्तु के अनुसार आपने रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि आपको अपने कैरियर में निरंतर ग्रोथ, उन्नति और तरक्की मिल रही है, अन्यथा अनचाहे हर्डल्स, बाधाएं आपको अपने कैरियर में देखने को मिल सकती हैं। तो ऑफिस डेस्क को वास्तु के अनुसार रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। जो लोग घर से ऑपरेट करते हैं वो इन वास्तु नियमों को अपनी वर्किंग टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम ऑफिस डेस्क को कैसे वास्तु के अनुसार हमें रखना चाहिए इसके बारे में बातें करते हैं। आपको ऑफिस डेस्क में जब आप बैठें, इस तरह से आपको बैठना है कि आपका फेसिंग नॉर्थ, उत्तर या पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। अगर इस दो डायरेक्शंस को आप फेस करते हुए ऑफिस डेस्क में बैठे हुए हैं तो आपको अपने जीवन में उन्नति और कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा कभी भी इस चीज का आप ध्यान रखें कि बैठते समय आपकी जो पीठ है, अगर आपके पास केबिन है, उसके डोर यानी कि मुख्य द्वार की तरफ नहीं होना चाहिए, ना ही बैठते समय आपकी पीठ आपका जो ऑफिस है उसके मेन एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए। अगर ऐसा है, इस अवस्था में आप बैठे हैं, तो ऑफिस की जो डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स है, उसका आप शिकार बन जाएंगे। बैठते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी पीठ के पीछे दीवार होनी चाहिए। इससे आपको अपने जॉब में, बिजनेस में स्टेबिलिटी मिलती है, स्थिरता मिलती है। बैठते समय एक चीज का और आपको ध्यान रखना है कि आपके सामने खुला एरिया होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी पीठ के पीछे खुला एरिया है और आपके बिल्कुल सामने कोई दीवार है। अगर ऐसा है तो इससे आपकी दूरदर्शिता प्रभावित होती है और जो ऑफिस में हायर मैनेजमेंट पोजीशंस हैं या प्रमोशन के लिए जो एक विजन चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको प्रमोशन अपने कैरियर में नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा अगर है तो आप अपनी पोजीशन को इमीडिएटली बदलें। आपको कभी भी अपने डेस्क के ऊपर ग्लास का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ऐसा है तो आप अपने कार्य में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एक भ्रम की स्थिति में रहेंगे, हमेशा कंफ्यूज आप बने रहेंगे। तो आपका ऑफिस डेस्क अगर लकड़ी, वुडन का है, परफेक्ट है, उसके ऊपर आप जो ग्लास है वो बिल्कुल भी ना लगाएं। ऑफिस डेस्क के ऊपर अगर आप मनी प्लांट, बैम्बू प्लांट या कोई अन्य तरह का प्लांट रख रहे हैं तो आप अपने ऑफिस डेस्क के नॉर्थ, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ईशान या ईस्ट, पूर्व दिशा में रखें। अगर ऐसा है तो आपको इससे अपने जॉब में, अपने बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। पानी की व्यवस्था अगर आपने ऑफिस डेस्क पे करी हुई है तो उसको भी आप उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। इससे आप निरंतर आप देखेंगे आपके कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं, कहीं भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन, दिक्कतों का सामना अपने जॉब में या बिजनेस में नहीं आएगा। फैमिली पिक्चर आप अपने ऑफिस डेस्क के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में रखें। इससे आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिलती रहेगी और आपका मूड हमेशा रिफ्रेश रहेगा, काम में आपका मन भी लगा रहेगा। लैपटॉप को आपको अपने ऑफिस डेस्क के साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में रखना है, ये अग्नि की दिशा है, जो लैपटॉप के लिए परफेक्ट है। इससे आप अपना कार्य इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कम समय में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। अगर आप का कोई कार्य की वजह से आपको एप्रिसिएशन मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, कोई आपको ट्रॉफी मिली है, तो इनको आप अपने केबिन, अगर आपको मिला हुआ तो उसके साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। इनसे आपको, आप देखेंगे
कि और एप्रिसिएशन लगातार जो आपके सीनियर से, बॉसेस से, मैनेजमेंट से मिलना चाहिए, वो लगातार आपके कार्य कुशलता की वजह से आपको ट्रॉफीज भी और मिलेंगी और आपको एप्रिसिएशन भी आपका होता रहेगा। ऑफिस डेस्क पे भगवान की पिक्चर या कोई मूर्ति आप रखना चाहते हैं तो आप उसको उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रखें। इससे आपको मन की शांति मिलेगी और आप बहुत ही कूलनेस से, बहुत ही समझ बूझ के साथ अपना कार्य संपन्न कर पाएंगे। ऐसे कार्य जिनको हम पेंडिंग कार्य बोलते हैं, उनकी फाइल आपको ऑफिस डेस्क में कहाँ रखनी है? देखिए, दो तरीके के हमें फाइल्स होती हैं। एक इस तरह की फाइल्स होती हैं जिसमें हम चाहते हैं कि वो पेंडिंग कार्य हमारे जल्दी से जल्दी पूरे हों। जैसे कहीं आपका पेमेंट अटक गया है, कोई बाउंस चेक है, तो आप चाहते हैं कि वो पेमेंट जल्दी से जल्दी आए, तो इस तरह की पेंडिंग कार्य की फाइल आपको अपने ऑफिस डेस्क के वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में रखना है। तो आप देखेंगे आपका जो पेमेंट रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी मिल रहा है। इसी तरह से बहुत से लिटिगेशन, मुकदमेबाजी की फाइल्स होती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि वो जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों, लंबे अदालत में ना चलें, तो उनकी फाइल भी अपने आप ऑफिस डेस्क के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। तो आप देखेंगे कि आपके लिटिगेशन के जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनकी फाइल, पेंडिंग केसेस की फाइल, जिसमें हम चाहते हैं कि वो लंबे समय तक चलें। जैसे कि अगर हमें किसी को पैसा देना है, आज हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ समय मिल जाए, तो ऐसे पेंडिंग कार्यों की फाइल आप अपने ऑफिस डेस्क के साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में रखें। आप देखेंगे कि जो आपको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए वो आपको मिलेगा, आपको समय मिलेगा। इसी तरह से बहुत से लिटिगेशन होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि जो केसेस हैं वो अदालत में ज़्यादा लंबे समय तक चलें, क्योंकि वो आपके हित में है, तो ऐसे पेंडिंग केसेस की फाइल भी आप अपने ऑफिस डेस्क के साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। तो आपको अपने ऑफिस डेस्क को, ये जो मैंने आज आपको वास्तु के इतने महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, उनके अनुसार ही आप अरेंज करें, व्यवस्थित करें। तो आप देखेंगे अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आपका कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, आपको कैरियर में ग्रोथ मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रहा है और बिजनेस में भी आप तरक्की कर रहे हैं। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us. To get scientific solutions of vastu problems at nominal fee, register now 965004540. To learn vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online vastu course. Our WhatsApp number is 9650045406। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।